इंदौर में सफाई कामगार यूनियन द्वारा कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर इंदौर कलेक्टर का ध्यान आकर्षित कराया। कामगार यूनियन के अध्यक्ष ने सभी सफाई कर्मियों का मेडिक्लेम कराए जाने के साथ ही जो कर्मचारी अनफिट है उनकी जगह उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी पर रखे जाने की मांग की है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को निगम में नौकरी देने को लेकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा। और नगर निगम में अभी वर्तमान में कल राजमोहल्ला जोन की एक महिला का काम करते वक्त एक वाहन दोनों पैर पर चढ़ गया और उसके इलाज में उसका परिवार भटक रहा है। तो आज हम जिला कलेक्टर से मिले और नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारियों का एक्सीडेंटल बीमा नगर निगम द्वारा कराया जाए, यह मांग कलेक्टर के सामने हमने रखी है, माननीय कलेक्टर महोदय के सामने। साथ ही जो अनफिट कर्मचारी जो कार्य नहीं कर पाते हैं, जिनकी स्वास्थ्य खराब रहते हैं, उनको मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराकर उनके पुत्र पुत्रियों को नौकरी देने का, साथ ही अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण करने के लिए मांग रखी है। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर उनके एक परिवार के एक आश्रित को नगर निगम द्वारा नौकरी दी जाए, इन पांच मांगों को लेकर माननीय जिलाधीश महोदय से हम मिले। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नगर निगम द्वारा जो अस्वस्थ कर्मचारी हैं और जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, ऐसे कर्मचारियों का नगर निगम द्वारा समुचित इलाज किया जाएगा। लीलाधर करोसिया, अध्यक्ष सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन इंदौर।